गुड मॉर्निंग बच्चों, आज से ऑनलाइन की पढ़ाई शुरू की जा रही है और मैं हरमित मैडम आप लोग को हिंदी का सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी और मेरा टाइम रहेगा 12 से 2 बजे तक। इस बीच में आपके पास व्हाट्सएप के द्वारा वीडियो और मैसेज पहुंच जाएंगे। आप 12 बजे से 2 बजे के बीच में व्हाट्सएप खोलकर हिंदी के सब्जेक्ट का वीडियो और मैसेज आप देख सकते हैं। तो आज से बच्चों हम इस लेसन 1 को शुरू करने जा रही हूँ मैं, और मुझे विश्वास है कि आप लोग ध्यान लगा के पढ़ेंगे। यदि कोई भी दिक्कतें या परेशानी आती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और जो भी वीडियो मैं भेजती हूँ उस वीडियो को यदि आप दोबारा फिर से कभी देखना चाहते हैं तो आप मोनिका हरमिट के नाम से YouTube में खोलकर देख सकते हैं और आप सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। तो बच्चों आज जो पाठ है चैप्टर 1 और इसका शीर्षक है मैं अमर शहीदों का चारण। इस कविता के अंतर्गत इस कविता को लिखने वाले कवि हैं श्री कृष्ण सरल। कवि ने इस कविता में बहुत ही सुंदर रूप से देशभक्ति के प्रति प्रेम समर्पण को प्रकट किया है और अपनी इच्छाओं को बताया है। तो आज मैं आपके सामने कविता को पढ़ने जा रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। यह सच है याद शहीदों की हम लोगों ने दफनाई है। यह सच है उनकी लाशों पर चलकर आज़ादी आई है। कवि यहाँ पर बहुत सुंदर रूप से जो हमारे देश के लिए शहीद हो गए बड़े बड़े वीर उनके बारे में उनका यश गाते हुए कहते हैं। कवि कहते हैं कि मैं उन अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। कवि कहते हैं कि जो इस देश के लिए शहीद हो गए और इस देश को बचाने के लिए स्वतंत्र करने के लिए शहीद हो गए, मैं उनके गीतों के माध्यम से उनका यश या उनकी महानता का बखान करता हूँ। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ, और उन शहीदों ने जो हमारे देश के लिए किया है मैं अपने गीतों के माध्यम से कविता के माध्यम से उस कर्ज को चुकाना चाहता हूँ। यह सच है याद शहीदों की हम लोगों ने दफनाई है, और आज ये सच्चाई है कि इस देश के लिए जिन वीरों ने अपने आप को बलिदान कर दिया आज उसकी बलिदानी को हम लोगों ने कहीं ना कहीं हम भूल गए हैं, हमने दफन कर दिया है। यह सच है उनकी लाशों पर चलकर आज़ादी पाई है, लेकिन ये वास्तव में सच्चाई है कि आज उन्हीं वीर लोगों के कारण ही हमने आज़ादी को पाई है और हम आज़ादी की सांसें आज ले रहे हैं। आज वे इस देश के लिए बलिदान हुए और इस देश को स्वतंत्र किया। तो कवि ने अपनी भावनाओं को इन कविता के माध्यम से हमारे बीच में रखा है बच्चों, और मैं इस कविता को आपके सामने प्रस्तुत की हूँ। यदि कुछ भी आपको समझ नहीं आता तो आप मुझे संपर्क करके पूछ सकते हैं, हम आपके सहयोग देने के लिए आप लोगों को सहयोग देने के लिए पूरी रीति से तैयार हैं, ताकि आप लोगों को घर में रहकर पढ़ाई में कोई भी दिक्कतें ना आए। आप जब भी हमें फ़ोन लगा सकते हैं और हमसे बातचीत करके अपनी परेशानियों को हमारे सामने रख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, और जो कुछ मैंने पढ़ाया है उसे निवेदन है कि आप अपनी कॉपी में इसे नोट करें और शुरुआत करें आप। धन्यवाद।